हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद फ्रेंड्स। ये आप लोगों का ही चैनल है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशंस, सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, उसमें यह पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके देख सकते हो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आप इंक्लूड करूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि इसमें तीनों है बोर्ड पेपर में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स भी होता है, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नोट्स नहीं आते लेकिन आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है। चलिए पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे बात करें तो ये डिजॉल्व करना होता है, ठीक है, सॉल्युबल करना होता है, जो सॉल्युबल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। पर इसे हम सही डेफिनेशन कैसे देंगे जिससे कि हमें मार्क्स मिल सके। अगर 2 मार्क्स का हो तो हमें 2 मार्क्स, फुल 2 मार्क्स हमें मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम कोई भी अमाउंट का सॉलिड डिजॉल्व करेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, तब हमें कैसा मिलना चाहिए, सॉल्यूशन सैचुरेटेड मिलना चाहिए, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, सैचुरेटेड मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो फर्स्ट हम इसे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे फैक्टर्स को। इसी वीडियो में आज इसकी पूरी फैक्टर्स पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस की। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। नेचर क्या होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। अब पोलर सॉल्वेंट में जैसे हम ले लें वाटर के, तो वाटर जो है ये क्या है, हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, तो इसमें क्या है, आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, और इनसॉल्युबल होता है नॉन सॉल्वेंट में। जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का। फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थ्री डिफरेंट वे में ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। टेम्परेचर के साथ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये टेम्परेचर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। बी में देखते हैं, इसमें क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का डिक्रीज होता है, अपोजिट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। जैसे कि हम ले लें लिथियम सल्फेट की, ठीक है, एग्जाम्पल है लिथियम सल्फेट, और कोई भी कैल्शियम सॉल्ट ले ले ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है, इनका क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और सी में है जो है वो है इरेगुलरिटी, जैसे सोडियम सल्फेट का है। सोडियम सल्फेट में क्या है, 32.8 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम पे होता है, इसके बाद इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होना शुरू कर देता है इसकी सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर तो इंक्रीज ही हो रही है लेकिन जो इसका सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज हो रहा है फिर बाद में डिक्रीज होता है, इसलिए इरेगुलर है, ठीक है। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये स्मॉल होता है इसलिए हम छोड़ देते हैं, मतलब फिर भी कोई असर नहीं होता, ठीक है।
अब फिर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी गैस लिक्विड। जब हम गैस लिक्विड की बात करते हैं तब क्या आ जाता है, हेनरीज लॉ आ जाता है। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इस पर, स्टेट हेनरीज लॉ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका जो है डेफिनेशन है, द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास, ठीक है, गैस का, गैस की मास डिजॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है मास जो डिजॉल्व होता है वॉल्यूम सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर हम इसे एक्सप्रेशन में लिखें तो एक्सप्रेशन में हम कुछ ऐसे लिखेंगे, मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। फिर जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे के एच आ जाता है, के कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, के एच, ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आपको लर्न करने वाली बात है, इसमें है हायर द वैल्यू ऑफ के एच, ठीक है, अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए, इसकी जो लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन ये है कि इसका जो प्रेशर होगा वो लो होना चाहिए, टेम्परेचर इज नॉट टू स्लो, ठीक है, और गैस जो होगा वो हाईली सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, ये हेनरीज लॉ की लिमिटेशन है। और फोर्थ है, जो गैस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए किसी सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि अगर रिएक्ट कर जाएगा फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर वो जो हेनरीज रूल है उसे डिसऑबे करेगा। अब चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स आप प्लीज पढ़ लीजिए, यहाँ पे है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम दैट N2 एग्जर्ट अ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जो N2 है नाइट्रोजन जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कितना, 0.987 बार, और के एच की वैल्यू, मीन्स हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फाइंड करना है हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए, अगर आपको आता है तो प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, अगर आपका हो गया तो आप चेक कर सकते हो। पहले हम लिखेंगे ऐसे स्टार्टिंग में, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बोर्ड में एक वे होती है लिखने की जिससे आपको मार्क्स मिलता है। अगर आपका तरीका गलत है लिखने का, बेशक आंसर आपका सही है, तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ गैस बात करते हैं N2 का, ठीक है, ये प्रेशर है N2 का और ये KH की वैल्यू है, ये फॉर्मूला है ना, तो इस पर हमने पुट किया, ठीक है, ये हमने पुट किया इस पर, तो हमें N2 का मोल फ्रैक्शन कितना मिला, 1.29 × 10⁻¹⁵, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, N2 का, N यहाँ पे स्मॉल n, ये नंबर ऑफ मोल्स है N2 का, और वाटर में 55.55 मोल होता है वाटर में, ठीक है, वाटर का 55.55 मोल होता है। हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 1000, ठीक है, 1000 ग्राम इसमें वाटर लिया है और उसे डिवाइड किया है 18 से, 18 उसका मोलर मास है, तो ये आया उसका मोल, मोल होता है ना गिवन मास, मोलर मास, तो इसे ये मोल निकला, ठीक है। अब हमारा क्या था, XN2 है ना, कितना आया था, 1.29 आया था × 10⁻¹⁵, और N जो है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है N2 का, और वाटर में कितने मोल है, 55.55
55। तो ये मोल फ्रैक्शन के जरिए, फॉर्मूले के जरिए हम ऐसे कर सकते हैं, xn2 इक्वल n अपॉन n प्लस, क्योंकि इसमें टोटल होता है ना, टोटल होता है ना नीचे, इसीलिए n अपॉन n प्लस 55.55। तो जो ये वाले यहाँ पे देखिए n है ना, ये इतना छोटा है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। तो इग्नोर कर दिया तो क्या है, n अपॉन 55.55 इक्वल ये किसका, एक्स एन टू का है, बराबर होगा। तो फिर क्या हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चली गई, मल्टीप्लाई में, और एन इधर हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद ये इतना आया, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट में है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट इंक्रीज अप टू एंड देन डिक्रीज, मैंने बताया था ना, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, वहाँ पे जब सोडियम सल्फेट की बात हुई थी कि वो इरेगुलर है, ठीक है, टेम्परेचर उसका इरेगुलर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में वो स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, फिर बाद में वो डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन एट अ हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया। जब अगर हम माउंट में चले जाएं जो कुछ ज़्यादा हाई हो, ठीक है, तो वहाँ हम ऐसे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, एट अ हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ठीक है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि वो हाइट है, हाइट पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इसमें यही है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल, और इससे क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन बनता है ऑक्सीजन का ब्लड में और टिश्यू में, तो ये डिजीज होने शुरू होती है, ठीक है। इससे होता ये है, जब ये होता है एनोक्सिया, फिर जो पीपल होते हैं वो कुछ सोचने के लायक, मतलब वो सोचने की जो कैपेसिटी होती है, थिंकिंग कैपेसिटी, वो खो देते हैं, ठीक है। तो ये आप, ये सारे बातें आप इसमें लिख सकते हो। ती थी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट टू थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहे सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।